दोस्तों आप देख सकते हैं ये जादवपुर का नज़ारा है। एक ट्रेन निकल चुकी है, दूसरी ट्रेन आने वाली है, लेकिन फिर भी पंखा बंद हो रहा है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से दोस्तों ये जाम यहाँ पे सुलझने वाला है। देख सकते हैं आप दूसरी आने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ट्रेन निकल चुकी है और दूसरी आने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जाम खुलने में नहीं आ रहा है। दोस्तों आए का नज़ारा देख सकते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे जाम खुल पाएगा या फिर गाड़ी आ जाएगी दूसरी। तो दोस्तों जिला बरेली का थाना भोजीपुरा क्षेत्र के अंदर ये ग्राम जादवपुर है। हाँ, जादवपुर के अंदर ये इस कदर जाम लगता है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेन निकल चुकी है और दूसरी ट्रेन आने की तैयारी है। पंखे गिर रहे हैं बराबर, लेकिन जाम अभी भी कम नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, घंटी वाले बटन पर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। अभी देखिए दोस्तों एक टुक टुक है जो बीच में फंसा हुआ है। बाकी बाइक तो सेट हो गए हैं, लेकिन टुक टुक अभी है जो भी सेट नहीं हो पाया है। मैं भी आपको ट्रेन का भी दिखाऊंगा क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा दोस्तों, देखिए। लेकिन जाम खुल चुका है दोस्तों, अभी टुक टुक को ऊपर रख गया है दोस्तों, देखिए पंखा। लेकिन पब्लिक यहाँ पर मदद करने के लिए बहुत आ गई है, शायद ये टुक टुक को पीछे कर देंगे। खतरे की घड़ी दोस्तों टल चुकी है, लाइन क्लियर हो गई है। देखिए पंखा बंद हो गया एकदम, ये देखिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों ट्रेन आते हुए यहाँ से। थोड़ा वीडियो को स्किप करता हूँ दोस्तों, इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 42 सेकंड्स का वेट किया है और 42 सेकंड्स के बाद दोस्तों ट्रेन आना चालू हो गई है। देख सकते हैं आप, शायद आपको देखने लगी होगी दोस्तों, 42 सेकंड्स के बाद दोस्तों ट्रेन आ गई है। ये देख सकते हैं आपको ट्रेन का सिग्नल भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। होता क्या नहीं होता आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, देखिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमारे चैनल पर लगे रहिए।